26 नवंबर 1964 चलते हैं वापस। हम बेसिकली हमें भी बड़ी क्यूरियोसिटी है ये जानने की ये उस वक्त कैसा लगा आपको, कैसे इंतखाब हुआ आपका, वो दिन कैसा था आपका और क्या फीलिंग्स थी आपकी? नर्वस थी, कॉन्फिडेंट थी। बेटा हमने अप्लाई नहीं किया था, लोगों ने बहुत अप्लाई किया हुआ था और मैं सिर्फ तारिक अजीज और फजल कमाल साहब जिनकी वजह से मैं आई, हमारे क्योंकि रेडियो से थे ये लोग सब जी। और असलम साहब रेडियो से नहीं आए थे, असलम अजहर साहब, तो उन्होंने कहा कि एक घंटे के लिए आप भेज दें क्योंकि रेडियो पर इनको बोलने की आदत है और फिर हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे। उन्होंने ऐसा किया, मेरा ही इंतज़ाम हो गया। और फिर क्या क्या फीलिंग्स थी फिर आपकी उस वक्त? आप बेटा एक 16-year-old की क्या फीलिंग हो सकती है कि आप लाइटें और अब तो आपके माशाल्लाह इस कदर हसीन कैमरे हैं। हमारे सामने तो एक कैमरा था, उस पर 3 lights थी, उन्होंने कहा जिस पे बत्ती जलेगी उसमें देखना है। सो यू नो इट वॉज अ स्कैरी अनाउंसमेंट। क्या थी आपकी, अगर आपको याद हो तो मैं चाहूंगी कि आप सुनवाएं जो वेरी फर्स्ट अपीयरेंस थी आपकी, उसमें क्या बोला आपने, क्या अल्फाज थे? मैंने कहा कि सलाम करने के बाद ऑफ कोर्स उसी स्टाइल में मैंने कहा आप सबको मुबारक हो, आज पाकिस्तान में टेलीविजन आ गया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एहसास की बात है। और ये सब कुछ लाइव था, सब लाइव थोड़ी हिस्ट्री पूरा साथ ही पड़ा, बिल्कुल ही बड़ा। अब तो बहुत चीजें डेवलप हो गई हैं, बड़े-बड़े सिस्टम आ गए, लेकिन मैं अब भी लाइव प्रोग्राम को तरजीह देती हूँ। तब भी लाइव था, तब भी सब लाइव। 26 नवंबर 1964 का पहला प्रोग्राम जो कमल साहब का, वो लाइव था। और सीरियसली ये एक एहसास की बात है कि हम इनके साथ नहीं, इनको, नहीं, बेटा, इनको बुलाया है हमने, क्योंकि देखिए हम ये भी पूछना चाह रहे हैं आपसे कि तब के और आज के टीवी में आप क्या फर्क देख रही हैं, खासतौर पर रेडियो से कंपैरिजन कर सकते हैं कि रेडियो का मैार ज्यादा अच्छा है या टीवी का ज्यादा अच्छा? टीवी की बात करते हैं ना, लाइक क्योंकि वो हम पीटीवी की बात कर रहे हैं और आज का मीडिया जिस तरह चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है। बेटा आप लोग हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हो, इसलिए कि आपकी एक्सपोजर देखिए किस कदर है ना। आप गूगल कर सकते हैं, आप अखबार, मतलब इतने गैजेट्री भी आपके पास है जिससे आप चीजें पता कर सकते हैं। हम लोगों ने करके सीखा है, यू नो हम वी गॉन थ्रू द मिल। सीखने का वो जो प्रोसीजर है वो हमने सब इस पे आके सीखा, रेडियो से बोलने का। और रेडियो ने जो दुरुस्तगी की हमारे लहजे में और तलफ्फुज में और जेर जबर में, बिकॉज आई एम बॉर्न पंजाबी, मैं लाहौरी हूँ पक्का और मेरे पेरेंट्स भी दोनों पंजाबी हैं, लेकिन जब ये करना था तो फिर अपनी उर्दू भी दुरुस्त करनी थी, बिल्कुल, और अंग्रेज़ी भी, जैसे आपने कहा शायरी भी पढ़ना पड़ी, और जिस जो कोई कॉन्वेंट से आए उसको तो इतनी नो हाउ नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इतने बड़े बड़े सुतून जो थे ना, जो बाद में अदब के, उनके साथ जब हम ग्रो अप कर रहे थे। कौन से ऐसे बड़े बड़े सुतून जिनका आप जिक्र कर रही हैं? बेटा पहले तो इतवार वाले दिन सूफी तबस्सुम साहब आते थे बच्चों के प्रोग्राम में और वो टोट बटोट लिखते थे और मेरी वालदा उसी को गा देती थी, हाँ कि वो गवैया नहीं थी क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम लाइव होता था, कम अज कम 150 बच्चा स्टूडियो में होता था रेडियो के, चांदनियाँ बिछी होती थी सफ़ेद उस पर और उनके पेरेंट्स सारे लॉन में बैठते थे। अब उस वक्त में रेडियो पे क्योंकि सब कुछ लाइव था तो ये सब लोग जिनमें मैं पली बड़ी वो थे मुस्तफ़ा अली हमदानी, अखलाक अहमद साहब, अशफाक अंकल, बानो आपा, ए हमीद, इंतज़ार हुसैन, अगर मैं किसी को भूल जाऊँ तो माजरत, फिर प्रोड्यूसर्स में शमसुद्दीन भट्ट, अकरम भट्ट, सईद मिर्ज़ा, इजहार काजमी, नो शायरों में नासिर काजमी, कतील शिफाई साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर्स में फिरोज़ निज़ामी, फारूक साहब, खलील अहमद फिर आ गए, तो ये सब वहाँ मौजूद होते थे क्योंकि म्यूजिक भी लाइव जाना होता ये था। आपकी एकेडमी थी जी, मसरत नजीर साहिबा बुरका लेके आती थी गाने को। आपने भी कभी गुनगुनाया कभी? मैंने टेलीविजन पे सबसे ज्यादा म्यूजिक के प्रोग्राम किए, महफिल शब किया मैंने 4 बरस और फिर मैंने हमारे एक पिंडी से प्रोग्राम होता था उसमें शायर बैठते थे और उन्हीं का कलाम गाया जाता था। पर मैंने ज्यादा म्यूजिक से कुर्बत मेरी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल की वजह से हुई क्योंकि जितने भी शोज होते थे
جو ڈگنیٹریز آ رہے تھے یا جو ٹروپیز آتے تھے باہر کے ملکوں سے, اور پھر میں خود 14 ملکوں میں پاکستان کی کلچرل ٹروپ کے ساتھ گئی, تو میری نسبت ایکٹرز سے زیادہ میوزک سے رہی. صحیح, تو مطلب پھر گانے کا شوق. ایسی گستاخی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ فرمائش آپ کے سامنے رکھیں, بولنے میں اتنی خوبصورت آواز ہے تو گانے میں تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. کبھی گایا نہیں, لیکن اتنے اچھے لوگ سچ مچ کے گانے والوں کو, میں کل ایک یونیورسٹی میں بات کر رہی تھی کہ وہ سچ مچ کے گانے والے لوگ تھے, کیونکہ وہ ساز کے بغیر اور یہ جو کمپیوٹر سے آپ سر درست کر لیتے ہیں نا, اس کے بغیر گاتے تھے اور ان کا سر چھوٹتا نہیں تھا. کوئی مہناز, ناہید اختر, کون ہے جس کے ساتھ میں نے پروگرام نہیں کیا.